आज देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हर एक या तो अपनी चिंता कर रहा है या तो अपनों की। कोई डर रहा है तो कोई इलाज के अभाव में मर रहा है। कोई समझ रहा है, कोई समझा रहा है, तो कोई शक्ति दिखा रहा है। कोई अपने साथ साथ दूसरों को सुरक्षित कर रहा है तो कोई खुद भी असुरक्षित हो रहा है और अपनों को भी असुरक्षित कर रहा है। इस संक्रमण ने किसी के सपने छीने तो किसी के अपने। आज हर एक शख्स इस बीमारी से निजात पाना चाहता है। लोगों में दिन ब दिन डर बढ़ता ही जा रहा है और हर तरह से घर पर अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं संक्रमण से बचाव के। और कई सारी चिंताओं के साथ परेशान हो रहे हैं लोग और कई सारे सवाल भी लोगों के जहन में पनप रहे हैं। लोग सर्दी जुकाम से भी डरने लगे हैं। तो चलिए आज हम कोरोना को एक अलग ही नजरिए से जानते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है प्रतीक जोशी, जो कि एक नाइस केयर एक्सपर्ट हैं और इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 50,000 से भी ज्यादा कोरोना मरीजों और साथ में इन्फ्लुएंजा मरीजों का इलाज किया है। तो प्रतीक, वॉइस ऑफ प्राइड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि एक नाइस केयर एक्सपर्ट क्या होता है, इस बारे में मैं दर्शकों को कुछ बताइए। मैम, नाइस केयर एक्सपर्ट को नाइस केयर एक्सपर्ट का फुल फॉर्म है नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स। ये हमारी लोगों की एक टीम बनाई हुई है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के ऑफिस से हमारी एक टीम बनी हुई है। इसके अंदर ऐसा है कि हम 500 टू 600 नाइस केयर एक्सपर्ट्स हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कोविड पेशेंट्स या यूं कहें कि इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स होते हैं, उनका हम ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं और उनको हम ठीक करते हैं। जी बिल्कुल प्रतीक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बताइए कोरोना को लेकर आपका क्या नजरिया है, आप किस नजरिए से कोरोना को देखते हैं? मैम, जैसे कि एक साल होने आया है, लगभग हो चुका है एक साल, और हमने अभी तक 50,000 से ज्यादा लोगों को ठीक किया है। तो हम जितना लोगों से मिले हैं और जितना हमने इस चीज़ को समझा है, तो ये एक हमारे लिए मामूली सा एक सर्दी जुकाम जो बुखार होता है, बस वो है। इसको हमने हमारे 3-स्टेप फ्लू डाइट के उससे ठीक किया है। तो मेरे लिए एक नॉर्मल सा सर्दी जुकाम है बस। प्रतीक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि लगातार मौतें होती जा रही है और मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। इतनी मौतों का आंकड़ा बढ़ने के पीछे क्या कारण है? क्या इसकी वजह लोगों में कोरोना का डर है या फिर वाकई में कोरोना है? देखिए, इस मुद्दे पे ना दो बातें आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंसान आज न्यूज देख देख के और मतलब जो टीवी पे जो दिखता है और इतना भय का माहौल हर जगह बन चुका है, तो लोग इतना डर चुके हैं। जैसे मैं आज हर किसी से बात करता हूँ तो मुझे सबसे बात करने में दिखता है कि हमारी फैमिली को तो कुछ नहीं होगा। कितने लोग मुझे रो रो के फ़ोन पे बात करते हैं, कितने लोग अपने छोटे बच्चों को लेके, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को लेके परेशान है। तो लोगों में डर इतना बना हुआ है ना कि आज क्या होता है कि आज अगर थोड़ा सा भी किसी को बुखार आता है और जैसे ही उसको बुखार आया, किसी भी चीज़ का कोई छोटा मोटा एक सिम्टम आया ना, तो इंसान दौड़ भागता है RT-PCR टेस्ट के लिए। वो RT-PCR टेस्ट जो मेरे हिसाब से जितना हमने रिसर्च किया वो कहीं से अप्रूव्ड नहीं है, वो जिसने बनाया उसने अप्रूव नहीं किया। उस RT-PCR टेस्ट के फेक पॉजिटिव परसेंटेज है, मतलब 100 लोग टेस्ट करवाएंगे तो 10-15 लोग को फेक पॉजिटिव बताएगा, फिर उन्हीं 100 लोगों का टेस्ट करेंगे तो वापस से नए 10-15 फेक पॉजिटिव बताएगा। अगर किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक दिन में जाके अपने 5-6 RT-PCR टेस्ट करवा लें तो उसके कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ये जो मेन मुद्दा है ना कि इंसान बहुत डर चुका है। अब डरने के बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा भी बुखार आया, बुखार तो 2 साल पहले भी आता था, बुखार हमको हर साल आता ही है, इतना डर के माहौल में जब इंसान भाग के जाता है और उसको एक फेक RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाती है जो कि पॉजिटिव आ जाती है, अच्छा खासा एकदम स्वस्थ इंसान जिसको कुछ नहीं हो रहा है, वो चले जाता है हॉस्पिटल में अपने आप को भर्ती कराने। और जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसको एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स दिए जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स क्या है ना, ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे इन चीज़ों का ब्लैक मार्केट भी हो रहा है। रेमडेसिविर, लोपिनावीर, फेविपेरापिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जितनी भी ड्रग्स हैं सारे अभी एक्सपेरिमेंटल है। कोई भी कोरोना की कोई दवाई नहीं निकली है। पता नहीं हॉस्पिटल में, मैं ये बोलता हूँ कि हॉस्पिटल में ऐसा क्या दे रहे हैं जो इतने लाखों का बिल बन जाता है, हॉस्पिटल्स में ऐसा क्या कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ ऐसी है कि जब हम लोगों को डाइट देते हैं तो बिना कुछ रुपये खर्च किए इंसान 3 दिन में घर में अपने ठीक हो जाता है। तो मुद्दा मेरा ये है कि जो ऐसे लोग हैं जिनको नॉर्मल से कोई सिम्टम्स हैं तो वो हॉस्पिटल्स की तरफ ना भागें। आप लोगों के चक्कर में क्या हो रहा है ना, जो लोग एक्चुअल में जिनको नीड है हॉस्पिटल की, जो लोग एक्चुअल में जो बोलते हैं ना बहुत क्रिटिकल केसेस है, वो लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा पा रहे। और दूसरा, अगर आपको सिम्टम्स है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में 3-स्टेप फ्लू डाइट बताऊंगा, आपको डाइट फॉलो करेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे उससे। जी बिल्कुल ठीक कहा प्रतीक। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वैक्सीन को लेकर आपकी क्या राय है?
मैम वैक्सीन को लेके हमारी राय स्टार्टिंग से गलत ही रही है इस चीज़ में कि ये वैक्सीन जो है हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं क्योंकि ये एक आरएनए वायरस है। और इन सब टॉपिक के लिए ऊपर अगर अपन बात करेंगे टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं एक छोटे से शॉर्ट में इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा कि ये जो वैक्सीन हमें दे रहे हैं और ये आज बोल रहे हैं कि कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया, कोरोना का नया स्ट्रेन आया मतलब वायरस म्यूटेट हो चुका है, जो कि हम एक साल से बोल रहे हैं कि एक आरएनए वायरस है, ये म्यूटेट होता रहता है, ये अपना रंग रूप आकार बदलता रहता है। तो मेरा सिर्फ एक ही आपसे पूछने का सवाल है कि जब वायरस ही म्यूटेट हो चुका है तो आप पुरानी वैक्सीन लोगों को क्यों लगा रहे हैं, जो पुराने वायरस के अकॉर्डिंग जो वैक्सीन बनी है, तो अब जब वायरस नया आ चुका है, जब वायरस म्यूटेट हो चुका है, तो आप लोगों के लिए नई वैक्सीन लाइए ना। प्रदीप, जैसा कि हम सभी चाहते हैं, फिलहाल हॉस्पिटल्स फुल बताए जा रहे हैं और लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो क्या घरों पर भी रहकर लोग अपना इलाज कर सकते हैं, क्या उनका इलाज होना संभव है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो 3-स्टेप फ्लो डाइट है उसके अंदर क्या होता है ना, जिस दिन आपको पहला सिम्टम आता है, पहला सिम्टम आते से आप लोगों को क्या करना है, सुबह 12 बजे से पहले आपको 4 तरह के फल खाने हैं। 4 तरह के फल में आप कोई भी फल ले सकते हैं, किसी भी तरह के 4 फल ले सकते हैं। आपको उसको खाना है बॉडी वेट इंटू 10। सपोज अगर आपका वजन है 80 किलो, तो 80 × 10 कितना हो जाएगा, 800 ग्राम, 800 ग्राम वो हो जाएगा टोटल। तो आपको 800 ग्राम फल खाने हैं 12 बजे से पहले। उसके बाद जब आपका लंच का टाइम आता है, तो लंच में आपको क्या करना है, बॉडी वेट इंटू 5 लगभग हो जाता है 400 ग्राम्स हो जाता है। उतना आपको खाना है सलाद, उसमें आपको क्या लेना है, 4 तरह की कच्ची सब्जियां लेनी है, जैसे खीरा टमाटर हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गई, इस तरह की आपको 4 तरह की कच्ची सब्जियां लेनी है। सेम टू सेम रात को भी आपको यही खाना है, वही 4 तरह के आपको ये खाना है सब्जियां। और उसके बाद अगर आपको भूख बचती है तो आप आपका घर का नॉर्मल सा बना हुआ खाना, जैसे दलिया वगैरह, लेस ऑयल लेस सॉल्ट वाला खाना खा सकते हैं। इस प्रोसेस को, इतनी मामूली सी प्रोसेस को अगर कोई 3 दिन फॉलो कर लेगा तो उसे हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको पहले दिन सिम्टम आया है, उनको दिख रहा है कि हमको बुखार है, सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो अगर वो लोग ये 3 दिन की डाइट फॉलो करेंगे बिना पैनिक हुए, क्योंकि पैनिक होने से तो 50% इम्यूनिटी अपनी खुद की ये लोग गिरा लेते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं, इतना ज़्यादा खौफ में आ जाते हैं। आज मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल सा खाली कैप्सूल अगर अपन किसी को दे और अपन उसको बोले ना कि ये विश्व का सबसे अच्छा कैप्सूल है, तो वो इंसान उस कैप्सूल को खा लेगा ना, उसको खाते से वो ठीक हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका जो साइकोलॉजिकल पार्ट है वो उसको ठीक कर देगा, उसका ब्रेन उस इंसान को ठीक कर देगा। तो आप लोगों के दिमाग में जो इतना डर, इतना खौफ भर दिया गया है, बस मैं जनता से ये अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इतना जो डर रहा है ना, ये सब डरना बिल्कुल बंद करो। इतना जो माहौल बना दिया है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा, इस चीज़ के लिए फाइट करो और समझदार बने और ये डाइट फॉलो करें, आप बकायदा 3 दिन में रिजल्ट देखेंगे इस चीज़ के। प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी और आपसे पूछना भी चाहूंगी कि आज का जो माहौल बना हुआ है, जैसे कि आपने कहा लोग पैनिक हो रहे हैं, ये बात सच है कि लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, लोग डर भी रहे हैं, हर चीज से घबरा रहे हैं, क्योंकि हर दूसरे घर में एक किसी को कोरोना हो रहा है, किसी की मौत की खबर आए दिन आ रही है, तो इन चीजों से लोग पैनिक भी हो रहे हैं। तो इतनी महामारी के समय में, इतनी भयावह स्थिति में भी लोग खुद को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी। मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों के मन में डर बन चुका है, और मैंने यही चीज़ बोली कि लोगों को कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। आज कभी भी इंसान न्यूज़ चैनल खोलता है तो न्यूज़ में उसको देखता है कि आज इतनी मौतें हो गई, जैसे कोई इंदौर का, जैसे हम इंदौर में बैठे हैं, तो जैसे कोई इंदौर की न्यूज़ देखता है तो बोलता है आज इंदौर में इतने केसेस निकल रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, वो केसेज है, वो मरीज नहीं है, वो पेशेंट्स नहीं है, केसेज हैं। जैसे RT-PCR टेस्ट मैंने बताया कि वो एक फेक पॉजिटिव परसेंटेज बताता है। आप केसेस निकाल दो, आप 1000 केसेस निकाल दो, केसेस इज नॉट इक्वल टू पेशेंट्स। वो लोग सिर्फ केस निकले हैं, पेशेंट्स वो होते हैं जो गंभीर रूप से खतरे में हो या हॉस्पिटलाइजेशन करने की जिनको जरूरत हो। तो आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको कोई सिम्टम आता है तो आप 3-स्टेप फ्लू डाइट फॉलो करिए, क्योंकि कोई भी वायरस जब तक मुंह, नाक और गले में है ना, वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। और ये जो दवाइयों के जो प्रोटोकॉल है उसकी वजह से क्या होता है ना, वो वायरस निचले श्वसन पथ पर चले जाता है। और अगर कोई भी वायरस, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी वायरस की बात कर रहा हूँ, कोरोना को मिलाकर कोई भी वायरस अगर निचले श्वसन पथ पर जाएगा तो वो हार्मफुल हो जाएगा, फिर इंसान को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आएगी और बहुत सारी चीजें आएंगी। प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमें बताया गया है कि आपने अपने 50 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया है, 50,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया है अपनी टीम के साथ मिलकर, तो इनके इलाज के लिए आपने क्या यूज किया है, किस तरीके से इनका इलाज किया गया है कि सारे लोग स्वस्थ हुए हैं? जैसा कि मैंने आपको ये 3-स्टेप फ्लू डाइट बताई है, इस डाइट के माध्यम से हमने सब लोगों को ठीक किया है। इसमें बहुत सारे क्रिटिकल केसेस भी थे हमारे पास, जिनको डॉक्टरों ने वेंटिलेटर तक बोला हुआ था,
वेंटिलेटर के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रोन पोजीशन बनवाई। वो प्रोन पोजीशन क्या होती है, वो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर यहाँ पे दे दूंगा। प्रोन पोजीशन ऐसा होता है कि उल्टे लेटना पड़ता है, उल्टा लेट के अपने मुंह के नीचे एक तकिया लगता है, पेट के नीचे दो तकिए लगते हैं और दोनों पाँव के नीचे एक तकिए लगते हैं। उससे क्या होता है, जो फेफड़े होते हैं फेफड़ों के बीच स्पेस बढ़ जाती है, तो क्या होता है इंसान सांस लेने में उसको ईजी हो जाता है। फिर आप मुंह के सामने एक फैन रख दीजिए, ये उस मैकेनिकल वेंटिलेटर से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कम होता है तो आप प्रोन पोजीशन बनाइए, आपको बकायदा इंस्टेंट उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। एक दो घंटे तक आप इंसान को रखेंगे तो वो एक मैकेनिकल वेंटिलेटर को जब आप देखेंगे तो वो इतना ज्यादा डेंजर और हार्मफुल दिखता है, क्योंकि उसमें इंसान पूरी तरह से एक मशीन बन जाता है, उसके फेफड़े मैकेनिकल तरीके से सांस लेते हैं ये सब। तो आप पहले ये चीज करके देखिए, अगर आप घर पे हैं, आप अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं तो आप पैनिक मत होइए, क्योंकि आप पैनिक होंगे तो ना तो आप प्रोन पोजीशन बनवा पाएंगे ना आप हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से मदद ले पाएंगे। तो सबसे अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि आप एक प्रोन वेंटिलेशन घर पर बनाएं, उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है और फायदा होता भी है। प्रतीक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है, ये तो आपने बताया कि जिनके लक्षण अभी अभी आए हैं, जिन्हें लग रहा है कि उन्हें कोरोना हो रहा है या फिर उन्हें किस तरीके का संक्रमण हो रहा है, कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे वायरल फीवर की बात कर रहे हैं, कि यदि उन्हें वो भी लगता है तो हमने उसके बारे में बात की। अब हम बात करें यदि किसी को रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरीके से खुद को जल्दी रिकवर कर सकता है? सबसे पहले तो जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, कितने केसेस अपने यहाँ पे 90% केसेस लोगों के ऐसे होते हैं कि सपोज जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हैं, कल को अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उस डर से मैं जाके अपना टेस्ट करवा लूंगा कि कल मैं आपके साथ बैठा था, तो वो डर वो भय जो मेरे मन में है, और वो इंसान के मन में क्यों है, क्योंकि आजकल बस कोरोना नाम आ गया मतलब इंसान को लगता है कि मैं मर जाऊंगा, इतना ज्यादा इंसान डर चुका है कि कोरोना हुआ कि मैं मर जाऊंगा, वो अपनी फैमिली और अपना सबका आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लेता है। तो सबसे पहले बात तो ये चीज ना करें, जब तक आपको कोई अपने अंदर सिम्टम्स नहीं दिख रहे आप टेस्ट के लिए ना दौड़े, जितने टेस्ट होंगे उतने आंकड़े बढ़ेंगे, उतने आंकड़े बढ़ेंगे और उतना आप अपने आप को इस चीज में गंभीर रूप से घायल करेंगे दवाइयां खा खा के। तो सबसे पहली चीज कि आप टेस्ट के पीछे ना भागे। दूसरी चीज मैं बोलूंगा, अगर आपको हेल्दी रहना है तो ये जो मैंने आपको डाइट बताई आप ये डाइट फॉलो करिए। तीसरा, जब तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव सपोज आ भी गया है और अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है और अगर आप अपने परिवार वालों की और अपनी चिंता करते हैं तो आप खुद से क्वारंटाइन हो जाइए, आप खुद से क्वारंटाइन हो जाइए, घर के अंदर हो जाइए, आप थोड़े दिन अपने आप को देखिए और आप ये हेल्दी डाइट चालू कर दीजिए, तो मेरी गारंटी हर कोई ठीक हो जाएगा इस चीज से। पर एक मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आप जनता को या फिर हमारी हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? सबका बस एक ही मैं ये मैसेज दूंगा, मतलब जो कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, मेरा मैसेज सबको सिर्फ एक ही है कि अपना जो माइंडसेट है, अपना जो साइकोलॉजिकल पार्ट है, उस चीज़ को बस ये लोग सब स्ट्रांग रखेंगे और अगर इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों से डरेंगे नहीं, क्योंकि कोरोना से भी खतरनाक बहुत सारी चीज़ें हैं, टीबी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम भूल चुके हैं, और आज कुछ भी होता है, आज कुछ भी मतलब दिखाते तो हमको सिर्फ कोरोना कोरोना कोरोना, इतने साल हो गए, हम इतनी सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में, इतनी सारी अलग अलग ये हैं डिसीजेज हैं, उससे कोई नहीं मरा है, अब जहाँ देखो सिर्फ कोरोना से मौत हो रही है। तो आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को समझिए, सुरक्षा एक मेन पॉइंट होता है, मुद्दा है सुरक्षा का, अपने आप की सुरक्षा करना है, पर पैनिक नहीं होना है, इतना ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग एक साल से इतना लोगों से मिले हैं, इतना सबके साथ मिले हैं, हमको पता है हमारा इम्यून लेवल अच्छा है, हम अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, हम नारियल पानी पीते हैं, मौसमी जूस दिन भर में 2-3 ग्लास अगर आप पियेंगे तो आपका ना आपकी बॉडी में बेसिकली विटामिन सी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को इस तरह से रखेंगे कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की क्वांटिटी आपने अच्छी रखी है तो आपको कभी कुछ भी नहीं होगा, कोरोना तो क्या आपकी बॉडी हर चीज़ से फाइट कर जाएगी। प्रतीक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप गवर्नमेंट के लिए, हमारी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो कोरोना में क्या कर सकते हैं? सरकार के लिए मैं सबसे मेन चीज ये बोलूंगा कि एज अ नाइस केयर एक्सपर्ट जो मैंने इतने टाइम में देखा है, सबसे पहले तो आप ये जो हॉस्पिटलों में जो दवाइयाँ यूज हो रही है, ये जो WHO का प्रोटोकॉल यूज हो रहा है जिसके अंदर इतने सारे एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फेविफ्लू है, फेविफ्लू की आप पूरी रिपोर्ट निकालिए पहले, फेविफ्लू के बारे में आप रिसर्च करिए कि इससे कितना खतरा है, ये कितने खतरनाक ड्रग्स हैं जो कि एक इंसान को दिए जा रहे हैं, वो भी कॉम्बिनेशन में, आपको पता पड़ेगा कि मौत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि सरकार को सारे हॉस्पिटल्स में
कैमरे लगा देने चाहिए जहां पे भी उनके परिजन है, जिसका भी मतलब आज सपोज कोई भी हो, आज सपोज अगर मेरे घर के अंदर कोई है तो, और अगर मैं उस चीज का रुपया दे रहा हूँ हॉस्पिटल वालों को, पता नहीं किस बात के लाखों रुपए में भर रहा हूँ हॉस्पिटल में, कम से कम एक हॉस्पिटल वालों के पास एक ऊपर जब कैमरा लगा रहेगा तो मेरे पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ मतलब मेरा जो परिवार वाला है, जो भी मेरा रिलेटिव है, वो ठीक तो है। क्योंकि आज कुछ भी नहीं पता पड़ रहा है कि क्या होता है, सुबह इंसान जाता है शाम को इंसान की मौत हो जाती है। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि हर हॉस्पिटल के वार्ड में, जहाँ हर आईसीयू के अंदर, हर पेशेंट के ऊपर एक कैमरा होना चाहिए। हॉस्पिटल वालों की कमाई अच्छी है, बड़े लेवल पे है, 5-5, 10-10 लाख रुपए पेशेंट बिल भरते हैं, एक कैमरा लगाना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कैमरा लगेगा तो मैं ये बात मानता हूँ कि मेरी बात से बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि हॉस्पिटल्स में कैमरे लगना चाहिए और हर वो चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए जो उस पेशेंट्स के साथ हो रही है। प्रदीप बिल्कुल आपका बिल्कुल सही कहना है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एक नए स्केयर एक्सपर्ट प्रदीप जोशी ने हमें बताया है कि किस तरीके से हम कोरोना स्प्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से खुद के इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा सकते हैं, परफेक्ट डाइट फॉलो करके खुद भी सुरक्षित हो सकते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित कर सकते हैं और अपने समाज को भी सुरक्षित कर सकते हैं, और कोरोना से हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो इस तरह से अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।